लाइव स्कोर्स, स्टैटिस्टिक्स, एक्सपर्ट व्यूज, एक्सक्लूसिव वीडियोस, सब कुछ मिलेगा स्पोर्ट्स तक पर। अभी डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। हम बात कर रहे हैं नरेंद्र गिरी मौत मिस्ट्री की। इस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। कई सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं समर्थकों की तरफ से और कई सारी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन सब कुछ टिकता है पुलिस या जांच पर। तो एक तरफ पोस्टमार्टम होता है नरेंद्र गिरी के शव का, 2 घंटे तक ये पोस्टमार्टम चलता है, 5 डॉक्टर्स इसमें शामिल होते हैं और इस पैनल की तरफ से, डॉक्टर्स के पैनल की तरफ से जो रिपोर्ट दी जाती है उस रिपोर्ट के मुताबिक मौत का कारण फांसी को बताया जाता है। वहीं विसरा भी प्रिजर्व कर लिया गया है आगे की जांच के लिए। तो दूसरी तरफ पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, ज्यादातर लोग जानते होंगे कि इस मामले में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 1 को हिरासत में लिया गया है, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको फिर से बता देते हैं। आनंद गिरी को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी महंत जो थे आद्या तिवारी, उनको गिरफ्तार किया गया है और आद्या तिवारी के बेटे संदीप तिवारी को पुलिस ने कस्टडी में लिया है। तो जैसा कि हम बता रहे थे आपको कि पुलिस कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, पूछताछ भी की जा रही है। तो जानकारी ये मिल रही है कि आनंद गिरी और आद्या तिवारी से करीब 12 घंटे तक पूछताछ की गई। कई सारे सवाल पूछे गए उस कथित सुसाइड नोट को लेकर, हैंडराइटिंग को लेकर यहां पर बात हुई है और साथ साथ इन दोनों ने क्या कुछ कहा उसका मिलान भी किया गया। तो आपको बताते हैं कि इन 12 घंटों में क्या कुछ हुआ, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाया जा रहा है, इस जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक ये कथित सुसाइड नोट आनंद गिरी को दिखाया जाता है और पुलिस नरेंद्र गिरी की हैंडराइटिंग पहचानने के लिए कहती है। जब ये कथित सुसाइड नोट दिखाया जाता है आनंद गिरी को, तो आनंद गिरी कहता है कि उसके गुरु नरेंद्र गिरी खुदकुशी नहीं कर सकते हैं। ये बात पहले भी आनंद गिरी कह चुका है और फिर से उसने पुलिस के सामने इसको दोहराया। वहीं मठ के अधिकार को लेकर भी जो विवाद थे आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के बीच में, उस पर भी पुलिस आनंद गिरी से सवाल करती है। तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आनंद गिरी जवाब देता है और कहता है, महंत जी के कहने के बाद जब तक उन्होंने मुझे माफ नहीं कर दिया तब तक मैं श्री बड़े हनुमान जी के मंदिर नहीं गया। आनंद गिरी ने पूछताछ में कहा कि मेरा महंत जी से कोई विवाद नहीं था और महंत जी कभी भी मुझे परेशान नहीं लगे। आनंद गिरी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी से एक साथ मंदिर के चंदे में गड़बड़ी को लेकर भी सवाल पूछे गए। तो वहीं पुलिस ने आनंद गिरी के फोन, लैपटॉप और गैजेट्स को अपने कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। इसके साथ साथ नरेंद्र गिरी के सुरक्षा गार्ड समेत जो भी उनके सुरक्षा में पुलिसकर्मी तैनात थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो हमने आपको बताया कि किस तरह से पुलिस इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है, जांच को आगे बढ़ा रही है, लेकिन फिर वही सवाल है कि ये मौत की मिस्ट्री कितनी बड़ी है, क्योंकि इसमें कथित एक वीडियो की बात भी सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि इसी वीडियो को लेकर आनंद गिरी नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल कर रहा था।